हाय फ्रेंड, दिस इज़ अतुल फ्रॉम ऑनलाइन आत्मा। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपने व्हाट्सएप को, आप तो ये जानते ही हैं कि कैसे फ़ोन में चलाते हैं नॉर्मली, हम बताएंगे आज कि अपने व्हाट्सएप को कैसे अपने पीसी में कैसे चलाएं, कंप्यूटर में कैसे चलाएं, लैपटॉप डेस्कटॉप इसमें कैसे चलाएं। ठीक है दोस्तों, इसमें बताएंगे इजली प्रोसेस बताएंगे आपको कि हम कैसे अपने, हाँ तो इसके कुछ इजली स्टेप हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, जो कि वीडियो जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको सारा इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, आप उसको फॉलो कर सकें करते रहेंगे, आपको सारा वीडियो इजली समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। हाँ तो भाई चलिए आपको बताते हैं कि अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करें आप लैपटॉप में। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आप पहले नेट कनेक्ट कीजिए अपने लैपटॉप में, बिना नेट के नहीं चलेगा व्हाट्सएप आपका। ठीक है, देखिए पहले हमने ऑलरेडी अपने फ़ोन में नेट कनेक्ट कर लिया है, आप इसको केबल के थ्रू भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हॉटस्पॉट के थ्रू भी नेट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब आपको क्या करना है, अब आप किसी भी वेब ब्राउज़र से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ गूगल क्रोम, तो मैं इससे आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है और भी अनदर कोई ब्राउज़र है तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं इस गूगल क्रोम में आपको बताऊंगा कि कैसे व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने फ़ोन से पीसी में कैसे कनेक्ट करवा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन से नेट कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च बार में जाना, सर्च बार में जाके आपको सर्च करना व्हाट्सएप वेब। ठीक है, अब जैसे ही आप व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे तो आपका सबसे पहले एक सर्च बार में आएगा व्हाट्सएप वेब। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रेस करिए। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप के लिए आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। नया टैब जब ओपन होगा तो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको आपको सिंपली फॉलो करना है, इजली आपका कनेक्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर से, आपके फ़ोन से आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखिए जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप उसको देखिए कैसे क्या करना है। आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद क्या करना है, जो यहाँ पे सर्च बार के बगल में जो तीन पॉइंट्स दिए रहते हैं आपको वहाँ पे टच करना है। वहाँ पे टच करने के बाद क्या करना है आपको, आपको न्यू ग्रुप न्यू ब्रॉडकास्ट, उसके नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पे लिखा है व्हाट्सएप स्कैन। आप जब जैसे ही आप उसको स्कैन करवाएंगे आपके लैपटॉप में तुरंत सिंपली आपका व्हाट्सएप आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा, उसके कुछ ही देर बाद आपका व्हाट्सएप आपके फ़ोन लैपटॉप में चलने लगेगा, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया ये प्रोसेस। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।